कमा के खाइए, मेहनत करिए हमारे जैसे किसान कोई हो। उनसे कहता हूँ तुम्हारे पास अगर खेती होगी जरूर यहाँ पे एक बार दर्द। भाजपा की सरकार में यही पेट्रोल 75 रुपए मिलता था, बीजेपी की सरकार में 105। और मैं मुसलमान हूँ, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तुम सोच रहे हो सर हम घर में बैठ के खाएं? खाएं? नहीं मिलेगा, बीजेपी सरकार अच्छी है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कमा के खाइए, मेहनत करिए हमारे जैसे। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो यहाँ पे किसान भाई या किसान कोई हो, उनसे कहता हूँ तुम्हारे पास अगर खेती होगी जरूर यहाँ पे एक बार दर्द होता होगा। अब सुन ले, खेती थी हमारा 2500 रुपए कुंटल में लगा यानी सरसों बिक रही थी, आज 8000 रुपए कुंटल सरसों बिक रही है। हमारा फायदा है, हमारा फायदा खेती में लगा रही है। क्यों नहीं है हमारा फायदा? किसान ने मतलब हमारा फायदा करा है बोला किसके फायदा? जब नहीं होता, जब 200 रुपए सरसों का तेल आते, एक बार ये कहते हो कि सरसों के सपा की सरकार में 2500 रुपए कुंटल सरसों जा रही, 100 रुपए किलो तेल बिक रहा, आज 8000 रुपए कुंटल सरसों जा रही है, 200 रुपए किलो नहीं। तो एक बार शॉपिंग करने के टाइम ये जरूर कहते हो कि सपा की सरकार में यही पेट्रोल 75 रुपए मिलता था, बीजेपी की सरकार में 105। लेकिन एक मिनट 75 रुपए का पेट्रोल मिलता था, लेकिन उस टाइम पे विकास नहीं होता था। और आज विकास आगरा नकलुआ किसने बनवाया? हमारे पास पैसे नहीं है गाड़ी खरीदने को, तो मतलब तुम्हें तेल लेने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास इतना है खरीदने के लिए, आप लोग कह रहे हो। एक बात बताओ पहले, कांग्रेस सरकार में जो ये हाथियां बनाई गई हैं, ये हाथियां बनाने में पैसा नहीं लगा है? वो किसका पैसा लगा है? जनता का। भारत यहाँ जो ये सेंट्रल बैंक दिया इन्होंने, पिंचर हो गया 70 साल में कांग्रेस ने जोड़ने का किया। करो यार, आप बताओ सेंट्रल, ये बड़े बड़े टूटने खड़े सेंट्रल। मैं तो वोट जो है बीजेपी तो दूंगा, मैं बीजेपी, और मैं मुसलमान हूँ, और मैं मुसलमान हूँ, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। और तेरे का मतलब ये है, देखो ये कितनी बदमाशी चलती थी, या मंथली संतली है, क्या है ये संबंध है? तो बंद हो गया, बहुत बढ़िया, सब कुछ बंद हो गया, और ये सब कुछ बंद है। और ये जो है योगी जी ने बहुत कुछ तरह अपराधी जो है, सबसे बड़ी बात ये है, तो अपराधी थोड़ी महंगाई कम हो जा, तो इसलिए बस सब सही हो, सही है बाबू। महंगाई कम कर दे हमारी बीजेपी सरकार, समझ लो बल्ले बल्ले है, सब सही है बाबू। तुम्हें बता, तुम्हारे स्कूल ना खुल रहे, तुम बच्चे ना जा रहे, और तुमको खुशी है ना स्कूल ना जा रहे हैं, बड़े खेल कूद रहे हैं। लॉकडाउन और फिर लगे एक बार, क्योंकि स्कूल नहीं जान पड़े उन्हें। स्कूल क्यों नहीं? कहे लॉकडाउन लगे तो स्कूल नहीं जान पड़े। आप कह रहे हो लॉकडाउन, आप बार-बार कह रहे हो। अगर लॉकडाउन अगर ना लगा होता तो, अगर आपको नहीं लगता कि अगर कोरोना के ज्यादा बढ़ जाते तो इनको भी हो जाता? यही नहीं बचते, फिर पढ़ाई का क्या कर लेते? पढ़ाई का क्या करते? जब लॉकडाउन नहीं, जब कोरोना आया तो मोदी जी को, योगी जी को मास्क लगाना चाहिए। योगी जी, मोदी जी का मास्क सब कहाँ गया ना? अब कहाँ गया? आम जनता मास्क लगा कर घूम रही, योगी जी मोदी जी क्यों नहीं मास्क लगा रहे? मैं इस पे सवाल करना चाहते हैं। ये जवाब दीजिए, आप मुझे पहले खुद स्वच्छ नहीं हो, जब तुम खुद मास्क नहीं लगा रखो तो तुम मोदी जी को नहीं बोल सकते, योगी जी को बोल सकते हो? बीच में मोदी जी क्यों नहीं सुरक्षित है? पहले क्यों ऐसा किया था कि जनता के सामने? मोदी जी की जब पहले क्या होता है, मान सम्मान होता है जनता का, ठीक है? तुम कह रहे हो कोविड के लिए कह रहे हो, ये पता, ये पहले बताइए 100 साल पहले कोरोना क्यों नहीं था? नहीं था 2020 में, क्यों आया? अब देख कांग्रेस थी तब नहीं था कोरोना? नहीं था। मुझे जवाब दीजिए, नहीं था। मुझे ये जो आज के डेट में, तो अगर कांग्रेस होती तो कोई जनता नहीं बचता, कोई नहीं बचता, कांग्रेस नहीं बचता, कल बीजेपी ने बचाया है। अगर होती तो ऐसा होता ही नहीं, कोई ने बचाया है, अगर नहीं बचाया है, अगर स्टेट में सरकार होनी चाहिए तो कांग्रेस की सरकार, उसके अलावा कोई। वैक्सीन के लिए कह रहे हैं, वैक्सीन लगवाने जाते हो प्राइवेट में तो 1000 रुपए लगता है, वही वैक्सीन लगवाने तुम सरकारी में जा रहे हो, फ्री में लगता है, क्यों लगता है? 7 रुपए लगते किसकी वजह? मोदी जी की वजह से। मेरी वजह थोड़ी ना मोदी जी की। अरे सेंट्रल में तो केवल कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, बाकी कोई नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस मुझे पसंद नहीं है, मुझे बीजेपी चाहिए। कांग्रेस ने राज करा है, अगर कांग्रेस ने राज करा 70 साल में क्या करा है कांग्रेस ने? अब हाथे बड़े बनवाए हैं, क्या होता है उससे? कांग्रेस की सब दैनते आईएलआईसी एयरपोर्ट, ये सब दैनते बीजेपी सरकार ने, इन्होंने 7 साल में ही खत्म कर दिए। बीजेपी का ये वादा था कि हम जो लड़का इंटर कर रहा है, बीएससी कर रहा है, उसे लैपटॉप देंगे। हम भी फॉर्म भरे बैठे देखते हैं 2022-2025 तक आ जाए तो शायद हम उसका वेट कर रहे हैं लैपटॉप। लेकिन नहीं, योगी मोदी जी ने बोला था अखिलेश जी की तो फोटो लैपटॉप पे आ रही, लेकिन योगी जी अपने आप में तुम इतने गिरे हो कि नमक की थैली और पन्नी में तुम्हारी फोटो आ रही, तुम तो नाले में जा रहे हो। गिरे होने के लिए क्या तुम सरकार
के भरोसे लैपटॉप लोगे? आप मुझे ये बताइए, किसे वोट देंगे? वोट तो भैया बाबा ये देंगे अपने, बाबा बाबा वोट भैया बाबा की है, बाबा की। विकास को लेकर देंगे भाई? विकास को क्या, हर तरह से बढ़िया, हर तरह से बढ़िया है। देखो विकास भी कर रहा है अपना, और वैसे भी बढ़िया है, क्योंकि देखो राशन भी दे रहा है यह टाइम, और आगे को भी देंगे जब बनेंगे तो देंगे, लेकिन बढ़िया आदमी एकदम मोदी जी होगी देश में, बहुत बढ़िया भाई। भाई साहब का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं करा है। भाई देखो ये होंगे एटा मैनपुरी में आएंगे, होंगे का भैया अखिलेश ही है, वो जाने होंगे इधर तो, जो अलीगढ़ से उल्ली उल्ली में आएंगे भाई साहब। आदमी देखो हम जाट है, लेकिन हमने किसी तरह का भेदभाव नहीं है, जयंत के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन हमें जयंत नहीं, बाबा बढ़िया है, बाबा सबसे बढ़िया आदमी है। और जो यादव होंगे ना वो अखिलेश ही याद करेंगे। यादव हो गया तभी तो वाके बाद अगर बीजेपी थक भी गई ना, या कोई मतलब कोई ऐसा मैटर आया भी, तो उसके बाद कांग्रेस को याद करना, इसको मत करना, अखिलेश को मत करना, इसने सरकार ने खूब बहस कर लिया। अब अगर आएगी तो यूपी में आएगी तो सपा सरकार के अलावा कोई नहीं आएगी, लेकिन नहीं है। बताओ आपके घर माता बहने, मेरे घर में माता बहने, माता बहने मेरे घर में, आपके घर में जब 1500 रुपए की समाजवादी पार्टी पेंसिल बांधी थी, फिर वो बीजेपी ने क्यों कटवा? हम तो सीधा यह जानते हैं कि योगी सरकार में इतना विकास हुआ है, 6000 मिल रहे भैया किसान योजना में, 6000 में हर साल में। अरे हमें नहीं मिले, हम कैसे कहते कि मिलते हैं? 4000 दे रही है सरकार, दे रही है हमारे घर में, मिल रहे हैं पैसे। जब 40 बीघा 20 बीघा गेहूँ खा रही तो महीने में 2000 रुपए दे रहे, किसको फायदा होगा? एक बात बताइए, पक्षी जो उड़ रहे हैं ये भी तो कहीं से खा रहे हैं ना? खा रहे नहीं, खाए नहीं, खाएगा नहीं, पहले भी खा रहे ये जानवर ना खा रहे नहीं, मोदी जी पहले नहीं खा रहे, उनकी जनसंख्या घट जाती थी। नहीं पहले मोदी जी नहीं खाते, जब गुजरात स्टेटमेंट की वो थी, इनका सरकार थी तब नहीं ये खाते, लेकिन अब ज्यादा बड़ा पेट हो गया ना कि भारत का खाने लगे, इनको जो बचाया जाए, इनकी प्रजाति को बचाया जाए। आप जवाब में दे रहे हैं, आप जवाब में दे रहे हैं, पहले आपने जवाब क्या दिया था गाय भैंस के बारे में? ठीक है, पहले के टाइम में कांग्रेस के टाइम में कोई भी गाय नहीं बचती थी, ले जाकर कटवा दिया जाता था, क्यों कटवाता था? क्यों कटवाता था? हैं, आप मुझे जवाब दीजिए।